मैंने तो बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया, सलमान भाई को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा निकाह बिग बॉस में ही करा देना अगर हम गए तो। फैंस की डिमांड पूरी हो जाएगी क्या अगर अगर बिग बॉस बोले आदिल, अगर बिग बॉस बोले क्या आप दोनों बिग बॉस के अंदर निकाह करने के लिए तैयार है, और सलमान भाई भी बोले क्या राखी के साथ आप शादी करने के लिए तैयार है बिग बॉस में, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मूवमेंट आ गया पूछ रहे हैं। तो देखो एक बात बताना चाहता हूँ, आई लव हर इनफाइनाइट, प्यार तो मैं इनफाइनाइट करता हूँ उनसे। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू मैरी, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता। थोड़े लोग बोलते हैं मैं प्यार नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं है। दिखाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, नो लव दिखाना हर बार इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट प्यार का एंड, शी नोज इट, आई लव हर जान, प्यार का एंड तो शादी होती है ना, कि जब बिग बॉस अगर हमारे निकाह करा देंगे तो तुम्हारे फैमिली को भी बुलाएंगे ना घर में, व्हाई नॉट। कल का सरप्राइज कहता था आदिल भाई, बहुत अच्छा था। काजी तो क्या करेगा, काजी घर का कल का सरप्राइज बहुत अच्छा था। अब फूलों की बारिश हुई, किसी ने नहीं किया मुझे, आई मैं टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दैट शी विल कम लाइक दैट एंड डू दैट टू मी, इट वाज वेरी वेरी नाइस। बाय बाय बाय, देख लो मत क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ, बिकॉज़ आई एम बैक। बहुत दिन के बाद बैक हुए जिम पे। राखी जी का न्यू लुक कैसे लग रहा है? नहीं भाई, कैमरा पिक्चर तो आगे कैमरा तो नहीं, वो तो पूरे 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 लुक में मेरी क्या कुछ प्लान किया है राखी के लिए स्पेशल? राखी जी आपसे गुस्सा थी आप लोग मुझे को पूछते हो शादी शादी शादी, अगर कोई इंसान मतलब ही होता है ना तो वो बोल देगा ठीक है करके, चार महीने तीन महीने में शादी हो जाती है क्या? नहीं होती है। कल का दिन डिफरेंसेस आते हैं, ऐसा होता है क्या शादी? ऐसा नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, मैं सेलिब्रिटी बन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूँ कल चलो कल शादी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बोलूँगा नहीं मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें, ऐसा होता है क्या? लाइफ तो ऐसी नहीं होती ना, इसीलिए मैं हर बार तुम लोगों को बोलता हूँ वक्त दो वक्त दो वक्त दो, आई शुड नो हर। लोग तो चार चार पाँच पाँच साल डेट करते हैं, नहीं करते क्या? आप जवाब दो मुझे, करते करते राइट आदिल भाई, आप भाग भी जाते हैं? नहीं हर बार, रिपीट ऑफ हर बार आप मुझे बोलते हो कब करोगे, मैं बोल दूंगा। अभी तो कानून कितना खराब हो गया है, कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रहेंगे तो लड़की अब किसी लड़के पे ब्लेम भी नहीं कर सकती, यू नो ना, आप शादी कर सकते हैं। और मैं फॉल्स कमिटमेंट भी देना नहीं चाहता, मैं बोल दूंगा कल कर लूंगा, कल आप मुझे पूछोगे आज तो तारीख था क्या बताऊंगा मैं, फिर बोलूंगा कल, ऐसा नहीं होता है। जब बोलेंगे अनाउंसमेंट करेंगे सब लोग आओगे, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, एवरीबॉडी विल बी इनवाइटेड विद देयर फैमिली। अभी तो बोला सबको, तो बोला सी हाँ मेरा आदिल मुझे धोखा नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर। एक किस बनता है आदिल भाई को, आज मेरा है। हाँ कल आदिल भाई ने दिया था एयरपोर्ट पे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। सेल्फी पीछे, अरे ऐसा कैसा पीछे, रुको रुको, ऐसा कैसा हो गया यार, सॉरी चलिए वायर वायर, अरे वायर वायर। आमिर खान की बेटी का भी लव स्टोरी चालू है ईरा खान जी का, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी मुझे दूसरों के मेरी लव स्टोरी में मैं खोई हुई हूँ, दूसरों की लव स्टोरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट आस्क मी, बिकॉज मैंने बहुत आंसू बहाए हैं आदिल के लिए। पाँच दिन तक एकदम उदास थी राखी जी, आदिल भाई नहीं थे तो। सॉरी हाँ ये सही है, ये पोजीशन सही है, बहुत उदास थे आदिल जी नहीं थे। थोड़ा बूम ऊपर ले भाई, बूम ऊपर, अरे मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, डोंट वरी, बहुत आवाज़ तो काफ़ी चेहरा ग्लो कर रहा है। हाँ इन्होंने बहुत प्यार किया इसलिए। राखी जी एक क्वेश्चन था, सोशल मीडिया को कितना मायने रखता है लाइफ में? सोशल मीडिया बहुत मायने रखता है, आपको सेलिब्रिटी बनाता है, आपको दुनिया में एक नाम देता है, आपको काम देता है,
सोशल मीडिया में अगर आप रहते हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स होती है, आपको लोग जानने लग जाते हैं और आपके ब्रेड एंड बटर स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे लिए सोशल मीडिया सब कुछ है, क्योंकि अभी हाल ही में जो अदनान स्वामी सिंगर है उन्होंने अलविदा किया इंस्टाग्राम पर, सब कुछ अरबों खरबों करोड़ों रुपये होंगे मेरे ख्याल से। अदनान स्वामी तो असली मछली के जूते पहनते हैं, अगर असली मगरमच्छ के जूते पहनते हैं, उनके एक जूता ही 20-20 लाख का है, तो उनको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, हम जैसे स्ट्रगलरों को सोशल मीडिया की ज़रूरत है। हम आपके द्वारा जनता तक पहुँचते हैं और हम ब्रांड बनते हैं, फिर वो एज अ ब्रांड फिर जनता हमें बुलाती है, यू नो दे गिव अस अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और हम उनके ब्रांड को लॉन्च करते हैं। तो मीडिया ही हमें सेलिब्रिटी बनाती है, ताली दो हाथ से बजती है, हमारे थ्रू भी मीडिया बूम करती है और मीडिया के थ्रू हम बूम करते हैं। आदिल भाई क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया कितना लाइफ में जरूरी? देखो फ्रॉम द डे वन वो तो मेरे को एक्सप्लेन करते हैं सोशल मीडिया क्या है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड शी टेल्स कि सोशल मीडिया मेरी फैमिली है। यू रिमेंबर यू टोल्ड मी दिस टू टाइम्स। सोशल मीडिया टेल अबाउट योरसेल्फ, पहले आपको कोई नहीं जानता था, बट नाउ डेज इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से आपको बताओ कि मैसूर में क्या हुआ, बैंगलोर मैसूर में एयरपोर्ट में पकड़ लिया मेरे को लोग पूरा। जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में पहुंचा, देयर वाज लॉट ऑफ 4-5 लोग भाग के आ रहे थे सेल्फी के लिए, फोटो के लिए। मैसूर में भी हुआ, नॉर्मल मॉल में गया था मैं फॉर अ मॉल, राखी जी नहीं आए, पूछे कोई फैंस ने सेल्फी लेते वक्त कबारे पूछे, मैं बोला 10th के बाद आएंगे, शेड्यूल है उनका उसके बाद आएंगे। बहुत सब लोग तो यही पूछते हैं राखी मैम कहाँ है, उनको कब ला रहे हो, काफी डिमांड हो गए मैसूर की बहू को कब ला रहे हो, तो ले जाओ ना, चलो फिर चलते मैं काम मना कर रही हूं। ये ऐसे ही बोलते हैं ले जाओ, उसके बाद एंड टाइम में बोलते हैं काम है, ये है, वो है, वो है, उस टाइप का नहीं, परमानेंट ले जाओ शादी करके। हां सही बात, सर्टिफिकेट के साथ परमानेंट वैसे क्या ले जाना, तुम रह लोगे बराबर बराबर, ऐसा नहीं, शादी तो करो ना, बाद में हम डिसाइड करेंगे मुंबई में रहना है के मैसूर में रहना है, समझ रहे हो? ले जाने की हिम्मत तो रखो। ओके थैंक यू। आदिल भाई में हिम्मत है, है ना? बहुत प्यार है, मर्द है, न्यू कार से जो मुझे देता दर्द है, न्यू कार से आए गाड़ी पुरानी है, बॉम्बे में अभी आई है।